हाय, दिस इज पंखरी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन मूवी टॉकीज। इस साल की सबसे बड़ी और आखिरी फिल्म टाइगर जिंदा है रिलीज टुडे, और क्या ये सलमान खान स्टारर स्वैग से स्वागत करने लायक है या नहीं, लेट्स फाइंड आउट। 25 इंडियन नर्सेज गेट किडनैप्ड बाय अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन इराक, और उन्हें वहां से निकालने के लिए रॉ अपने सोए हुए टाइगर को जगाती है। लेकिन टाइगर की शादी अब ISI एजेंट जोया से हो चुकी है, सो ही इज अ बिट रिलक्टेंट। As expected, आखिर में वो मान जाता है और अपने तीन साथियों के साथ वो ISC और उसके हेड अबू उस्मान से अपने देश की नर्सेस को बचाने निकल पड़ता है। क्या क्या मुश्किलें टाइगर के सामने आती हैं, क्या होता है इस मिशन में, और आखिरकार क्या ये मिशन सक्सेसफुल हो पाता है या नहीं, वेल टू नो दिस यू विल हैव टू वॉच टाइगर जिंदा है। सलमान खान इज प्लेइंग टाइगर और उनकी प्रेजेंस ही इस फिल्म को चलाने के लिए काफी है। स्क्रीन पर वो बहुत करिश्मेटिक लग रहे हैं, ही मेक्स द एक्शन सीक्वेंसेस लुक बिलीवेबल एंड देयर इज आल्सो अ बोनस, उन्होंने शर्ट भी निकाली है। हाँ, लेकिन कई जगह जब वो लोगों को अमन और शांति का पाठ पढ़ा रहे होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स को समझा रहे हों। ये फिल्म उनकी एक्टिंग के लिए कम और उनके दमदार एक्शन के लिए ज्यादा याद रखी जाएगी, बिकॉज वी हैव सर्टेनली सीन हिम एक्ट बेटर। Katrina Kaif is playing Zoya and she has the same deadpan face all through the film. But वो अच्छी दिख रही हैं, उनका फिल्म में काफी important role है और action sequences उन्होंने बहुत अच्छे perform किए हैं। Sajjad Dilfruz ने ISC के head Abu Usman का role play किया है and he is outstanding in it. वो अपने character में एकदम fit बैठते हैं and is looking menacing. Anupriya Goenka has played one of the nurses. She is looking pleasant and has acted well. अंगद बेदी, सुदीप, परेश रावल और कुमुद मिश्रा का रोल ज्यादा नहीं है, बट दे हैव गिवन एबल सपोर्ट टू द फिल्म। फिल्म का एक्शन बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल का है, द प्रोडक्शन डिजाइन इज अमेजिंग। यशराज ने इस फिल्म को बहुत बड़े स्केल पर माउंट किया है, फिल्म पर काफी पैसा खर्च हुआ है और ये आपको नजर आता है, बट सलमान खान प्रेजेंस जस्टिफाइज एवरी पेनी स्पेंट ऑन इट। टाइगर जिंदा है बहुत एंटरटेनिंग है, इट कीप्स यू एंगेज्ड और आपको कहीं पर भी बोरिंग नहीं लगेगी, बट हाँ, अगर आप इस फिल्म में लॉजिक ढूंढने बैठेंगे देन यू विल बी डिसअपॉइंटेड। फिल्म में काफी चीजें हैं जिसे आप क्वेश्चन करेंगे, जैसे US आर्मी एक ISI एजेंट से इंस्ट्रक्शंस क्यों लेगी, पाकिस्तानी नर्सेस का क्या होता है, और टाइगर और उसके साथी इतनी आर्मी होने के बावजूद भी क्यों नहीं पकड़े जाते। स्नाइपर के टैलेंट को कहीं भी यूटिलाइज नहीं किया जाता और जहां किया जाता है वहां तो कोई भी शूटर चल जाता। लोग कवर्ट ऑपरेशन में अपने देश के झंडे लेकर घूम रहे हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिल्म का म्यूजिक अच्छा है, स्वैग से स्वागत सबसे एंड में आता है, सो पीपल विल रिमेन ग्लूड टू देयर सीट्स टिल द एंड। सिनेमेटोग्राफी बेहतरीन है, डायलॉग्स कुछ बहुत अच्छे हैं तो कुछ ऑर्डिनरी हैं। ओवरऑल ये फिल्म पूरी पैसा वसूल है, इसे फैमिली के साथ एंजॉय किया जा सकता है, इसमें एक्शन है, रोमांस है, ड्रामा है, इमोशंस है, सो इट्स एन आउट एंड आउट कमर्शियल एंटरटेनर विच यू शुड नॉट मिस इफ यू आर अ सलमान खान फैन। आई गिव दिस फिल्म अ रेटिंग ऑफ 3.5 स्टार्स। So that's all I have for you this weekend. I wish you a Merry Christmas and a very Happy New Year. I'll see you next year. Till then, stay tuned to Movie Talkies and do not forget to subscribe.